फाइनली सिस्टम ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं सिस्टम मॉनिटर कितना बड़ा लग रहा है ना। टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट पड़ गया है 1,25,000-26,000 के आसपास। आपको कैसा लगा ये सेटअप? एकदम मस्त लगा मुझे सेटअप और एकदम बहुत अच्छा है। पता है सबसे अच्छी बात मुझे इसमें क्या लगी है, मतलब कि सब चीज में लाइट जल रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस करते हैं नए दिन की शुरुआत और आज मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि आज मेरे पास है बहुत सारे अनबॉक्सिंग करने वाला सामान, क्योंकि मेरा नया पीसी बिल्ड हो गया है और उसके सामान भी आ गया। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पीसी, देन ये पार्सल आगे आ गया है क्योंकि अभी सेल चल रहा है बिग बिलियन डे, तो मैंने इस सेल में मंगाया है मॉनिटर और यहाँ पर एक है माउस पैड करके। तो गैस अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो गैस पहले इसको साइड में करते, इसको भी करते हैं साइड में और हम पहले अनबॉक्सिंग करेंगे मॉनिटर को। गैस मैंने अनबॉक्सिंग के लिए देखो क्या कितना बड़ा चाकू लिया है, क्योंकि छोटा वाला चाकू मेरे को मिला नहीं है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, शुरुआत कटिंग किधर से होएगा, ऐसी कटिंग हो गई है, फाड़ चिड़ के करते हैं। ये डेल का है मॉनिटर और इसमें क्या क्या है आपको मॉडल नंबर में दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर ये देख लो, ये वाला है इसका मॉडल नंबर। और गैस ये मेरे को बिग बिलियन डे सेल में पड़ा है 13,000 के आसपास, मतलब 13,400 का कुछ पड़ा है। पहले ये देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। बॉक्स मैंने खोल लिया है और बॉक्स के अंदर ये शायद स्टैंड होगा, स्टैंड है, केबल है, HDMI केबल, मैनुअल गार्ड स्टैंड ये भी है। और ये क्या चीज़ है ये देखेंगे बाद में क्या चीज़ है, साइड में करते पहले मॉनिटर देखते। ये है मॉनिटर। तो गैस मॉनिटर निकालते हैं और स्टैंड लगा के फिर खड़ी करते हैं अपने टेबल पर और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गैस मॉनिटर हमने निकाल दिया है और मॉनिटर स्टैंड में भी लगा दिया है और आप देख लो ये मॉनिटर कितना बड़ा लग रहा है ना। और यहाँ पे बेजल्स बहुत ही छोटा है और ये है डेल का मॉनिटर है। तो अब बारी है इसको खोलते हैं। असली माल मसाला तो इसी में ही है, पूरी की पूरी लाइटिंग करवा दिया मैंने इसके अंदर, मतलब लाइटिंग वाला वो ले लिया कैबिनेट, तो इसलिए पूरा का पूरा लाइटिंग इसमें है। और ये भी खोल के देखेंगे, ये भी लाइटिंग वाला है RGB और ये भी अभी खोलेंगे, पहले इसको खोल लेते। अब गैस खोल दी पीसी और ये देख लो, ये है पीसी और यह ट्रांसफार्मर वाला आगे पीछे देखने देख सकते हैं। और ये RGB फैन है सारे के सारे, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते। तो गैस मैंने अभी इसका कीबोर्ड खोल दिया है और ये शायद हाँ ये है माउस, माउस है, देन ये है कीबोर्ड, कीबोर्ड भी निकाल देते हैं, ये देखो कीबोर्ड। तो इस पर तो मैंने कनेक्शन कर दिया ये दोनों पे आपस में, अभी ये कनेक्शन करना है और इसको बिछाना है यहाँ पर। तो गैस फटाफट से बिछा देता हूँ और लाइट देता हूँ, उसके बाद देखते क्या होता है। ये देखो मैंने माउस पैड जो बड़ा वाला है वो बिछा दिया, ये कुछ ऐसा है तो मैंने यहाँ बिछा दिया, कितना गजब सा लग रहा है ना इसके ऊपर। तो मैंने मंगाया था अमेजोन से, अमेजोन का ये आइटम है ये। और अभी कनेक्शन करते हैं कीबोर्ड की और कीबोर्ड नीचे रखेंगे यहाँ पर, कीबोर्ड का कनेक्शन यहाँ से करेंगे तो सही रहेगा फिर, और ऐसा लगेगा कुछ डेस्कटॉप का सेटअप। तो गाइस सेटअप हमने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा और ऐसा है कुछ सेटअप। और यहाँ पर है वाईफाई वाला मदरबोर्ड, तो दो एंटीना है और मैंने फ़िलहाल भाभी से स्पीकर ले लिया और मैंने ऑर्डर कर दिया वैसे स्पीकर RGB वाला जेब्रोनिक्स का, तो वो कल आने वाला है। तो फिलहाल मैंने ये लगा दिया और इसके बाद अभी लाइट देखे देखते क्या सीन है, क्या कैसा लगता है। लाइट देने के बाद कुछ मॉनिटर का लुक कुछ ऐसा है और इसके नीचे शायद पावर बटन है। हाँ ये देखो डेल का ये ऑन हो गया और पीसी भी ऑन कर लेते हैं और वेट करते हैं लॉगिन होने की। इंग्लिश में हो रहा है एंड फाइनली सिस्टम ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं सिस्टम मॉनिटर कितना बड़ा लग रहा है ना। और बेजल्स बहुत ही कम है दोनों तरफ में ही और बहुत ही गजब लग रहा है। ये क्या क्या आ रहा है,
तो गैस ये है फुल HD मॉनिटर एंड सिस्टम पे बहुत सारा चीज़ें, 16 GB रैम है, हार्ड डिस्क है एंड 500 GB SSD है इसमें। तो इंटेल का है प्रोसेसर, बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो मैंने इसको वीडियो एडिटिंग के लिए करवाया है और मेरे को टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट पड़ गया है 1,25,000-26,000 के आसपास। तो 1,25,000 का सेटअप है ये पूरा। गैस बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, देखते हैं इसमें कैसा वीडियो दिखते हैं। वीडियो चालू कर देख। और गैस मैं कीबोर्ड का कलर तो आपको दिखाया ही नहीं, ये देख लो कीबोर्ड का कलर, ये है कीबोर्ड का। और इसमें सब लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3 चौथे में बंद हो जाता है, तो यही सही है। मेरे को सॉफ्ट कलर अच्छा लगता है, ये वाला सॉफ्ट ले। और इसका जो कलर है वो चेंज होते रहता है, आगे पीछे होते रहते हैं अलग अलग। चालू करते ही हमने अपने चैनल का वीडियो चालू कर दिया है। अगर गैस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो परेश टू ब्लॉग चैनल को, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अभी ब्लॉग एडिट इसी सिस्टम से करने वाला हूँ, तो गैस सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। गैस मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा ये, बहुत बेजल्स बहुत ही कम है, बहुत ही बड़े हैं मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छा है ये मेरे लिए, बहुत बड़ा लग रहा है। 27 इंच वैसे तो आपको इसमें देखने में छोटा लग रहा होगा, बट रियलिटी में बहुत ही बढ़िया लगता है ये देखने में, बहुत बड़ा है मॉनिटर। और अभी टाइम हो गया, 4 बज गया, क्योंकि मैंने अभी दोपहर का खाना नहीं खाया, तो अभी दोपहर का खाना खाता हूँ, फिर अब से मिलते हैं। 2000 years later. तो गैस एक अच्छी बात ये है कि आज के दिन ही मेरा जो स्पीकर मंगाया था ना मैंने, वो आ गया। वो स्पीकर देखा था मैंने कौन सा वाला है, ये है, ये वाला है जेब्रोनिक्स का जेब वॉरियर। और मैंने कॉल कर दिया था भावना को, तो मैंने बोला कि भावना आ जाओ और जो मेरा नया कंप्यूटर सेटअप है वो देख लो, तो भावना भी आ चुके हैं। तो मैं भावना से पूछ लेता हूँ कि भावना को कैसी लगी ये कंप्यूटर सेटअप। तो भावना हेलो, तो आपको कैसा लगा ये सेटअप? एकदम मस्त लगा मुझे सेटअप, और एकदम बहुत अच्छा है। पता है सबसे अच्छी बात मुझे इसमें क्या लगी है, मतलब कि सब चीज ना लाइट जल रही है, तीनों लाइट वाला एकदम मस्त लग रहा है। और गैस ये वाला है स्पीकर, जो ये है जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर। तो स्पीकर पता है पहले मैंने ना भाभी वाला लिया था, उसके बाद मैंने ये वाला लगाया। अच्छा हाँ, मैंने देखा था फोटो में, यहाँ पर लगा था ना जो मैंने आपको फोटो भेजा था उसमें। हाँ। आप यहाँ देखे थे तो अब और अच्छा लग रहा है ना, अभी स्क्रीन कैसा बढ़िया लग रहा है ना, बड़ा सा। और आते ही देखो यहाँ पर शॉपिंग का, फ्लिपकार्ट खोल के बैठे मैडम, दिवाली के लिए क्या लेना है अभी से ही देख रहे अभी। तो गैस अभी हम चलेंगे इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर से घूम के आते हैं। भावना जब आई तो इस्कॉन मंदिर भी घुमा ही देते, वैसे तो इस्कॉन मंदिर घूम लिया है बट आज भी घुमा के आते हैं, दर्शन करवा के लाते हैं। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ। तो गैस हम पहुँच गए इस्कॉन के 1 नंबर गेट पे, और यहाँ पे फिलहाल काम चल रहा है, रामनवमी आ रहा है ना, इसी वजह से कुछ काम वाम चल रहा है यहाँ पर। और भीड़ देखो आज के दिन में बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, तो हम एक नंबर गेट से एंट्री करेंगे। गैस फूल वगैरह लेना है तो 1 नंबर गेट से आप ले सकते हैं फूल, ये है 1 नंबर गेट। गैस अभी शूज रखने का जगह है ना 1 नंबर गेट के पास ही बना दिया इस साइड में, और यहाँ पे अभी शूज रख सकते हैं। पहले यहाँ पे प्रसाद बिकता था, पर अभी 1 नंबर गेट के पास ही शूज रखने का जगह बना दिया। पहले अंदर रख सकते थे, अब 1 नंबर गेट पे ही शूज रखने की जगह बना दी। और प्रसाद का लाइन स्टार्ट होगा अभी यहाँ से। तो गैस फाइनली हमने दर्शन कर लिया है, और भावना अभी घर जाने वाली है, तो भावना को घर छोड़ देते मेट्रो स्टेशन तक, है ना। इस्कॉन में ना पहले से बहुत ही मतलब सख्त हो गया दर्शन करने के लिए। इस साइड से एंट्री होगा और उस साइड से निकलना पड़ेगा, बैरिकेड लगा रखा है पूरा। और इस्कॉन के अंदर नया भगवान लाए है, जो नया भगवान कह रहे हो नरसिंह भगवान लाए है, तो इसकी वजह से ज़्यादा ही भीड़ होता है वहाँ पर। गैस इस वीडियो को यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।